अरे बैठे हैं, जो मिलेगा वही ले लेंगे। गाइस अभी हमें यहाँ पे एक अंकल मिले हैं, वो हमें बता रहे हैं कि Hey guys, it's Martin Sharma and you're watching Cycling or Nothing. और गाइस आज मैं आप सबको लेके आया हूँ दिल्ली के हॉन्टेड प्लेस जो कि है मालचा महल। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। यहाँ पे ना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मतलब ये है कि धौला कुआं है, तो आप धौला कुआं से उतर के ऑटो लेके, ये दिल्ली अर्थ स्टेशन का बोर्ड है और यहाँ से आप ऐसे एंट्री लेंगे अंदर, और यहाँ अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरा रास्ता दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये हमारे साथ शिवम है और हमारे साथ गार्ड साहब है। गार्ड साहब यहाँ बैठे हुए हैं, भाई भाई ने बढ़िया बता दिया हमें, भाई हरियाणा से ही है। बढ़िया भाई, नाम बताओ अपना। सोनू, सोनू भाई मिले, सोनू भाई ने बताया कि आराम से अंदर हो के आओ। तो गाइस हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं जैसे भी होता है। देख रहे हो ये पीछे मेरे पूरा वही है मालचा महल, और यहाँ भी कुछ कोई मिलने वाला है, मौंजुलिका मौंजुलिका है। और ये शिवम कह रहा है कि क्या बड़े बैठे हैं, जो मिलेगा वही ले लेंगे। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना मौंजुलिका। आमी मौंजुलिका। बता, हवाबाजी लोग ऐसे दे रहे, लोग ऐसे कह रहे कि हम अकेले मत आना। अबे क्या छुपन छुपाई क्या। हमी जे तुम शुद्ध जे तुम। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं। गाइस अरुण सीमा को जानते हो तुम, जिंदा पकड़ना वालों को। इमरान लव, इमरान यार यहाँ पे ये करता तू आके। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। अभी हमें यहाँ पे एक अंकल मिले हैं, वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे 800 रुपए की फीस है। वो कागज अंकल दिखाओ तो सही, कागज तो दिखाओ, अब मत आओ बेशक वीडियो में। इसकी वो कर देना। हाँ जी फोटो का। गाइस ये देखिए, वो कटिंग करके लाए हैं, ये देखिए इस पे लिखा है, ये देखिए कि ये 800 रुपए की इसमें मतलब एंट्री होगी, बट हम तो यहाँ फ्री आए, या तो हमारी थग लाइफ है अंकल, मतलब वही है। ठीक है, थैंक यू अंकल। अंकल को लूट लिया गाइस। हाँ तो गाइज़ मैं आपको यहाँ का हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। गाइज़ जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने ना जो भी मतलब राजा महाराजा थे, नवाब थे, उन सबकी ना पेंशन बंद कर दी थी। तो उस टाइम पे जो अवध की रानी थी, उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ, पहले विलायत महल नाम था, और उनके जो दो बच्चे थे उनका नाम था सकीना महल, लड़की का नाम था, और लड़के का नाम था अली रज़ा महल। तो उन्होंने ये कहा था कि आप हमें यहाँ पे मतलब कोई रहने के लिए जगह दीजिए। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आप हम मतलब आपको DDA फ्लैट दे देंगे रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी जगह चाहिए मतलब जहाँ पे इतना कोई आना जाना भी ना करता हो। तो उन्होंने फिर उनको ये मालचा महल दे दिया, और इसको इसलिए विलायत महल भी कहा जाता है। पर ये मेनली जो बनाया था ये फिरोज शाह तुगलक जी ने बनवाया था, ये 14th century में, मतलब ये हंटिंग लॉज के टाइप पर बनाया गया था कि जब भी वो जैसे अपने हंटिंग एक्सपेडिशंस पे जाए तो यहाँ पे मतलब रेस्ट कर ले। और यहाँ पे पूरा मतलब छत से ना पूरा उसका पूरे जंगल का व्यू है, पूरे बीच में जंगल में है, या यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं। और ये वैसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ दिल्ली में से एक है, बेशक आप गूगल कर लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और बाकी दूसरी बात ये है कि तो फिर जब वो यहाँ पे रहे तो उनका मतलब दौर ना काफ़ी मतलब वैसे ही गुजरा, और उनकी जो मतलब विलायत महल थी, जो उनकी माँ थी, वो उन्होंने 1993 में मतलब वो कर लिया था, सुसाइड कर ली। और उसके बाद फिर उसके बाद मतलब वो बच्चे उन्होंने यहाँ पे, जो उनका लड़का था वो तो अभी 2017 में ही मरा, और उस टाइम तक तो यहाँ पे मतलब कोई वो नहीं था, उनकी कोई एंट्री वेंट्री का कोई सीन नहीं था यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे मतलब जैसे नॉर्मल लोगों के लिए उसके बाद ही खुला है। और यहाँ पे उन्होंने ना काफ़ी कुछ मतलब पाला हुआ था, कुत्ते उत्ते पाले हुए थे, ताकि यहाँ पे कोई आता था तो वो उनको डरा देते थे, और किसी से इतनी बातचीत भी नहीं रखते थे, थोड़ा अलग ही रहते थे, पूरा मतलब आइसोलेटेड रहते थे ज़्यादातर। और फिलहाल मैं आपको एक बारी छत से व्यू दिखाया था, अभी हम गए थे छत पे, हमने छत पे काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी, तो वो भी मैं आपको एक बारी दिखाता हूँ। और मतलब वही है कि गाइस यहाँ पे ना सही लगा मतलब आके ना, बाकी दिखाता हूँ आपको ऊपर पहुँच के जैसे भी, और फिर वहीं आपसे सी ऑफ करता हूँ।
गाइस फाइनली हम मालचा महल की छत पे आ गए और आपको सी ऑफ करने का टाइम आ गया। और आप ये पीछे देख लीजिए, व्यू देख लीजिए, यहाँ से देखिए राष्ट्रपति भवन दिख रहा है ये सामने, और इधर जेएलएन स्टेडियम भी दिख रहा है, और उधर इंडिया गेट भी दिख रहा है, बट बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, पर यहाँ पे हमें काफी कुछ बड़ी बड़ी भी चीजें दिख रही है। तो समझ रहे हो ना। ठीक है गाइस, मैं आपसे फिर बाकी नेक्स्ट लोगों को मिलता हूँ। फिलहाल मैं शिवम से एक्सपीरियंस था, शिवम कैसा था? ठीक था ही था, मतलब इतना कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। प्लेस का जिस हिसाब से हम हाइप सोच के आए थे कि यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा ही तगड़ी प्लेस किसी भी एंगल से नहीं है ऐसा दिखेगा, तो वही वाली बात है, किसी भी एंगल से हॉन्टेड प्लेस होने लगा। मतलब एरिया मानो तो वही है, हॉन्टेड प्लेस भी नहीं है ये, मतलब मुझे नहीं लगा। मतलब उस पे गूगल पे पता नहीं क्यों लिखा हुआ है कि टॉप 5 या टॉप 10 में दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, पर जो भी है, मे बी रात को यहाँ कुछ होता हो, कुछ घूमता फिरता हो। बाकी मैंने स्टोरी भी आपको बताई थी, हमारे हिसाब से टॉप 50 में भी नहीं है। टॉप 50 में भाई ये रात को आएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि ज्यादातर तो ऐसी मतलब शक्तियां जो होती है वो ज्यादातर रात को ही एक्टिव होती है। बाकी ठीक है गाइस, मैं आपसे ना फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे को बताना यार, देखो कमेंट करके बता दो यार, जो नए व्यूअर्स है जो मतलब देख रहे हैं मुझे, जो पुराने हैं वो तो बता नहीं रहे, शर्म तो आ भी नहीं रही उन्हें, पर जो नए हैं वो भी देख के यार बताएं मुझे एटलीस्ट, ताकि मैं भी उनके साथ मतलब जैसे जैसे वो गए वैसे वैसे उनको लेके जाऊँ अपने साथ। बाकी फिर मिलते हैं फिर गाइस आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस गाइस, बाय। मैं भी नाचा, मेरे को दो वो अलग बात है, दिल्ली वाले कोई चूतिया बना दे इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो रहे गाइस अपा हरियाणा वाले जो बात ठीक है भाई, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही ना हो। बाकी ठीक है यार, तने गान चला दिया, बंद कर यार, फिर वो कॉपीराइट आ जाता है गाइस यार। हां बस बजी है मालचा माल ले आओ गाइस, माल गाइस देख रहे हो आप, चमगादड़ कितने सारे हैं ये देखिए, उल्टे लटके हुए हैं, देखिए देख रहे हो हिल भी रहे हैं। वही है कि अभी तो फिलहाल चमगादड़ों का ही घर है।